कांग्रेस पार्टी के महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा में 11 तारीख को जन अधिकार रैली करने के बाद मनगावा और त्योंथर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उसके बाद प्रयागराज के रास्ते दिल्ली वापस लौट जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने क्या कुछ बताया, हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान महासचिव दिग्विजय सिंह रीवा में 11 मार्च को स्थानीय पंदर पार्क में आयोजित जन अधिकार रैली में भाग लेने के बाद मनगावा में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उसके बाद त्योंथर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मिलने के बाद सड़क मार्ग से प्रयागराज के रास्ते दिल्ली चले जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। देखिए 11 मार्च को जो सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा जन अधिकार रैली चलाई गई और इन्होंने जो एक अभियान चलाया, यात्रा चलाई, उसके लगभग समापन का जो कार्यक्रम है वो 11 मार्च को रखा गया है। हम सबके नेता सम्मानित स्वर्गीय पूर्व सांसद सुंदरलाल तिवारी जी की पुण्यतिथि रहती है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य, कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह जी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं और उसके साथ ही साथ दिग्विजय सिंह जी आएंगे 11 मार्च के उस कार्यक्रम में और उसके साथ ही साथ कुछ वो हमारी कांग्रेस पार्टी के संगठन के साथ संगठनात्मक गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और हमने अपने संगठन में आगामी एक मिशन 2023 के लिए कसावट ले आई। मिशन 2023 के तहत हम लोगों ने अपने मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल तक की कमेटियों को मुस्तैदी से तैयार कर लिया है और उनको संबोधित करने, उनसे चर्चा करने, आगामी 2023 की रणनीति पर विचार करने के लिए दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं। पहले चक्र में वो तीन विधानसभाओं की विजिट करेंगे, तीन विधान में दौरा करेंगे और वहाँ के मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल के जो हमारे असिस्टेंट हैं, BLA हैं, उनके साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वो शेष कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और 2023 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की रणनीति पे हम लोग विचार करेंगे। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है कि दिग्विजय सिंह सतना से 10 तारीख की शाम को रीवा आ जाएंगे, उसके बाद 11 तारीख को वो रीवा विधानसभा की सबसे पहले सेक्टर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, उसके बाद रीवा विधानसभा के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, पार्षदों से, पूर्व पार्षदों से और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद जो जन अधिकार यात्रा रैली का कार्यक्रम है पद्मधर पार्क, उसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, रहेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रीवा में स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। अगले दिन 12 तारीख को दिग्विजय सिंह जी मनगवा विधानसभा जाएंगे सुबह 11 बजे और मनगवा में फिर से मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल असिस्टेंट के साथ मीटिंग करेंगे पहले चक्र में, फिर उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे और फिर मनगवा के बाद वो त्योंथर विधानसभा में जाएंगे और त्योंथर विधानसभा में भी मंडल, सेक्टर और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से चर्चा के उपरांत और प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा के उपरांत वो प्रयागराज से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अगली बार वो शेष विधानसभाओं में भी इसी तरीके से दौरा करेंगे।